25 लीटर तेल है इसके अंदर। देख सकते हैं आप जो स्पेशल जो सब्जी है वो शॉप पे जा रही है अभी, और देखिए दो जने लगते हैं इसको लेके जाने में क्योंकि बाहर आ रही है। और ये धनिया डाला जाएगा, ये देखिए ये कंप्लीट हो चुके भी है, शॉप पे जाने के लिए आ गया है। ये देखिए चुकी है, और इसके लिए हमने 4 घंटे वेट किया, हम तो लगभग 200 किलो के लगभग ये जो सब्जी है वो यहाँ पर बनाई गई लगातार है। इसके जो ये हवा करने की जो बीजनी जिसे राजस्थान में कहते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अगर मेरे को कोई जयपुर में ऐसा स्ट्रीट फूड मिलता है जैसा कि आपको दिखाना मस्ट है मतलब कि आपको वो देखना जरूरी है, क्योंकि आप अगर उसकी शॉप के सामने से गुजरेंगे तो आपको नॉर्मल सी शॉप लगेगी, बट आप उसकी जब मेकिंग देखेंगे ना कि कैसे वो इतने बड़े पैमाने पर जो चीज़ है वो बनाई जाती है, वो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, श्री श्रीकाल खमागणी, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जयपुर। हमेशा की तरह इस बार भी मैं लेके आ चुका हूं एक नई यूट्यूब वीडियो। वीडियो में आज के बारे में हम बात करने वाले हैं महावीर रबड़ी भंडार के बारे में, मेकिंग से लेकर आपको अंदर क्या क्या इनके जो यहाँ पर आप ये मतलब किचन है इनका, किचन नहीं इनका कारखाना है बिल्कुल अंदर। स्पेशल आलू प्याज पनीर की सब्जी, बेजड़ की रोटी, रायता, लहसुन की चटनी सब इनके पास बनाई जाती है, और इतने बड़े पैमाने पर ये बनाई जाती है ना आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी इसके जब आप अंदर चलेंगे। तो अभी इनके ये कारखाना है और कारखाने में अभी हम जाएंगे और आपको पूरा दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें बनाते हैं, और इतने बड़े मतलब कि एक सब्जी है ना जो नॉर्मल सब्जी 25 लीटर तेल में बनाई जाती है, एक नॉर्मल जो सब्जी होती है ना उसमें इतना तेल डाला जाता है और अंदर कितने बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है सब वीडियो में आज आपको देखने को मिलने वाला है। तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, लाल करके बटन को दबा के वीडियो कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर कॉन्टेंट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए चलते हैं हम अंदर कारखाने में और आपको दिखाने वाले हैं एक बड़े पैमाने की महावीर रबड़ी भंडार की जो लाइव मेकिंग है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम आपको इनके जो किचन है जो मेन कारखाना है वहाँ पे लेके चलने वाले हैं, और आप शुरू से देख सकते हैं कि कितना बड़े स्तर पर ये काम चलता है इनका। और अभी जो इनकी स्पेशल सब्जी है जो आलू प्याज पनीर की स्पेशल सब्जी है उसकी ग्रेवी तैयार की जा रही है यहाँ पर, और अभी आप देख सकते हैं इतनी बड़ी सारी मशीन में इसको पीसा जा रहा है और इसका पेस्ट बनाया जा रहा है नीचे। अगर अभी मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। भैया आपका नाम बता दीजिए। राजू। राजू भैया देखो ग्रेवी बना रहे हैं, और यहाँ पर ये आलू फ्राई हो रहे हैं, आलू और पनीर यहाँ पर फ्राई होता है, और ये देख लीजिए वहाँ पर ये जो है जो स्पेशल रबड़ी है महावीर रबड़ी भंडार, जो स्पेशल जो नाम है महावीर रबड़ी भंडार का उसके ये स्पेशल रबड़ी जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है, और आप देख सकते हैं कितना बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम चल रहा है। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ महावीर रबड़ी भंडार जयपुर में, और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम चलता है, जो इनकी बेजड़ की रोटी है, आलू प्याज पनीर की स्पेशल सब्जी है, और जो लच्छा रबड़ी है उसकी मेकिंग यहाँ पर हो रही है। और मेकिंग अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार नज़ारा दिखा दीजिए। यहाँ पर कढ़ाई पे कढ़ाई जो लच्छा रबड़ी है उसकी बन रही है, और यहाँ पर जो पनीर की सब्जी है उसके लिए पनीर के पीस अभी काटे जा रहे हैं अंकल। और यहाँ पर आप थोड़ा सा इधर आइए, और यहाँ पर देखिए जो ग्रेवी वाली सब्जी स्पेशल पनीर प्याज की ग्रेवी वाली सब्जी उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है, और लगभग ये प्रिपरेशन 3 बजे तक ख़त्म होएगी, मतलब कि अभी जो बज रहा है टाइम हो रहा है 9 बजे, और 9 बजे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आपको दिखाने कि कैसे क्या मेकिंग होती है इतने बड़े पैमाने पर महावीर रबड़ी भंडार की जो मेकिंग है वो होती है। थोड़ा सा आप आगे आइए,
और देखिए ये जो दूध है लगभग 400 किलो, मतलब आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 400 किलो हमको क्वांटिटी बताई गई है। उसकी लच्छा रबड़ी यहाँ पर बनाई जाती है और लच्छा रबड़ी बनने का भी एक प्रोसेस होता है। तो दोस्तों देखिए, अब तेल में जो है वो पनीर डाला जाएगा, पनीर को भी फ्राई किया जाएगा, और जैसे कि आलू को फ्राई किया गया है, पनीर को भी यहाँ पर फ्राई किया जाएगा, ताकि जो टेस्ट है वो एकदम यूनिक आए। और क्योंकि जो सब्जी बनाने की जो रेसिपी है वो हमेशा से ही यही रही है। ये देखिए पनीर अंकल तल रहे हैं, पनीर के बाद ये आलू तल चुके हैं, वहाँ पर ग्रेवी तैयार हो चुकी है, फिर जो ये बीच में ये देग रखी है, ये बड़ी सारी देग है, इसके अंदर ऑयल रखा है, कि ये टमाटर इसमें जा रहे हैं। अभी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो इतना मतलब कि इतनी स्पेशल जो सब्जी है, जिसमें जयपुर में ही नहीं पूरे इंडिया से यहाँ पर लोग, यहाँ पर इनकी जो ये 3 से 4 आइटम है वो खाने आते हैं। ये सब्जी बनाने की जो प्रिपरेशन है वो चालू हो चुकी है, और इसके अंदर जो तेज पत्ता है वो डाला जा रहा है। और देखिए आप कितनी मात्रा में तेल, भैया कितने लीटर तेल होगा इसके अंदर? 25 लीटर तेल है इसके अंदर। और ये देखिए मसाले यहाँ पर ये डाले जा रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए, और ये देग की साइज काफी, कितने लीटर का देग होगा भैया ये? हाँ 200 किलो का ये है। और अब देखिए इसके अंदर ये ग्रेवी डाली जाएगी, देख सकते हैं आप जो ग्रेवी तैयार की गई है वो ग्रेवी इसके अंदर ये डाली जा रही है। देखिए आप, ये देखिए आप, और ये है महावीर रबड़ी भंडार की स्पेशल प्याज पनीर, और जो उसकी आलू की सब्जी है उसकी जो प्रिपरेशन है वो ऐसे की जाती है, मेकिंग आज हम आपको दिखा रहे हैं इसी बात पे। और जो इसका जो है ये अरोमा है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। और देखिए ये सब्जी यहाँ पर बन रही है, ये देखिए आप, तो देख सकते हैं आप ये सब्जी का जो छौंक इन्होंने लगा दिया है, और ये देखिए आप, ये इसमें ये डाला जा रहा है, ये देखिए ये सारा इसके अंदर जा चुका है। और कम से कम 25 लीटर तेल की जो क्षमता है वो हमको बताई गई है यहाँ पर इस सब्जी के लिए। और ये आलू है, ये आलू को भी इसमें डाला जाएगा, पीछे जो फ्राइड आलू है उसको भी इसमें डाला जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे बनाई जाती है महावीर रबड़ी भंडार की जो स्पेशल प्याज पनीर और आलू की स्पेशल जो सब्जी है ग्रेवी वाली, वो कुछ ऐसे बनाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर से मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो, और महावीर रबड़ी भंडार वैसे तो जयपुर में कही है, बट आपको जो स्पेशल जो सब्जी है वो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप अंदर से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर इसका आ चुका है। भैया कितनी देर में बन के तैयार हो जाएगी ये? 3 से 4 घंटे इसमें लगने वाले हैं, और 3 से 4 घंटे में ये जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो जाएगी, जैसा कि हमको बताया जा रहा है यहाँ पर। और अभी इसमें ये आलू डालने वाले हैं और पनीर डालने वाला है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है बेजड़ की रोटी बनाई जा रही है, और पास में गट्टे बनाए जा रहे हैं। तो बेजड़ की रोटी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आंटी जी हैं जो बेजड़ की रोटी बना रही है, बड़े प्यार से बना रही हैं। और देखिए, और इनकी मुस्कुराहट देखिए, कितनी अच्छी मुस्कुराहट के साथ ये रोटी बना रही है। और आंटी जी कितनी रोटी बना लेते हो एक दिन में आप? गिनती नहीं है। ये देखिए, और इनकी रोटी देखिए क्या फूली फूली रोटियाँ बना रही है, और बहुत ही बड़ी रोटी है। एक बार मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ, देखिए इतनी बड़ी रोटी है ये देखिए, ये बहुत बड़ी रोटी है। आंटी जी कौन सा आटा रहता है ये? गेहूँ चना, गेहूँ चना और जौ का जो मिश्रित आटा रहता है उसकी ये रोटी बनाई जा रही है। और वहाँ पर तवे में रोटी बनाई जा रही है, फिर उसको अच्छी तरह यहाँ पर सेका जाता है और बहुत बढ़िया रोटी बनाई जाती है। दोस्तों देखिए, इसमें ये प्याज डाले जा रहे हैं और प्याज को भी सही तरीके से फ्राई किया जाता है। राजू भैया हैं, प्याज को फ्राई करेंगे, और फिर ये आलू जो यहाँ पर रखे हैं, फिर प्याज इसमें डलेगा। भैया कितने किलो प्याज होंगे ये? 20 किलो प्याज है। और सब्जी कितने किलो लगभग इसमें बन जाती है? 150 किलो सब्जी में 20 किलो प्याज डलता है। तो भैया कितनी देर में डालने वाले हैं हम? 10 मिनट के अंदर हो जाएगा भैया।
अच्छा 10 मिनट के अंदर फ्राई होके इसके अंदर आप डाल देंगे, ठीक है। वहाँ पर तैयारी हो रही है जो मिर्ची के जो टिपोरे होते हैं उसकी जो तैयारी कर रही हैं। अभी मिर्ची जो काटी जा रही है देखिए, आप देख सकते हैं। और धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे जो तैयारियाँ होती है वो जोरों शोरों से होने लगती है। तो दोस्तों देखिए, अब दही डालने की जो प्रिपरेशन है वो चालू हो रही है। और अब दही डालने के बाद भी उसको 1 घंटे पकाया जाएगा और उसमें फिर पनीर और आलू डाला जाएगा। दोस्तों अभी जो है सब्जी में दही डाला जा रहा है और देख लीजिए थोड़ा सा, आप इधर आके दिखाइए, देखिए ये दही डाला गया है इसके अंदर। और दही डालने के बाद भी इसको कितनी देर और पकाया जाएगा? 1 घंटा पकाया जाएगा। फिर उसके बाद जो आलू के जो है, फिर आलू और जो पनीर जो इसको फ्राई किया गया था तेल में वो इसमें डाला जाएगा, तब जाके ये 4 घंटे में जो ये स्पेशल जो सब्जी है वो कहीं तैयार होती है। थोड़ा सा मुझे दीजिए कैमरा, मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा सा आपको पास से मैं थोड़ा सा सीन आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप इसको कैसे ये हिला रहे हैं और ये देखिए आप इसको कैसे बिल्कुल मिक्स किया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए 4 घंटे की मेहनत के बाद जो सब्जी है कहीं जाके तैयार होती है। और इसमें देखिए ये दही, ये देखिए। तो भैया आप क्या डालने जा रहे हैं? नमक डालने जा रहे हैं। देख लीजिए एक नमक की पूरी थैली इसमें लग जाती है। देखिए ये नमक डल चुका है इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए ये प्याज को निकाला जा रहा है, जो प्याज फ्राई होने के लिए डाले गए थे अब उनको कढ़ाई में से निकाला जा रहा है क्योंकि अब ये पक चुके हैं। और जो सब्जी है जो देग में चढ़ रखी है तो उस देग में ये डाला जाएगा। और यहाँ पर आलू तैयार है और पीछे की तरफ जो आप देख सकते हैं वहाँ पर पनीर भी तैयार हो चुका है। तो अब ये लास्ट प्रोसेस है सब्जी बनने का, ताकि इसके बाद जो है हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। इसमें 4 घंटे का वक्त तो हमें खुद लगा है। 4 घंटे में ही जो सब्जी है बनके तैयार होती है। टेस्ट भी करके बताएंगे कि कैसी क्या लगती है, कैसा क्या रिव्यू रहता है। भैया तो आप क्या डालने जा रहे हैं? हम इसमें गरम मसाला डालने जा रहे हैं। गरम मसाला डालोगे? तो गरम मसाला अब इसमें डाला जाएगा। फिर इसमें क्या क्या डाला जाएगा? फिर आलू प्याज पनीर डाला जाएगा। आलू प्याज पनीर इसमें डाला जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं गरम मसाला इसमें डाला जा रहा है अभी। और ये स्टेप बाय स्टेप, ये 4 घंटे तो सब्जी लेती है बनने के लिए? जी सर, पूरे 4 घंटे लगते हैं सब्जी पकने में। पूरा 4 घंटे लगते हैं ना, ये देखिए आप। और इसको धीमी धीमी आंच पर पकाया जाता है, इसलिए कि तेज करके सब्जी बना दे और फुल करके वो सब्जी बना दी जाती है, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके जो सब्जी का जो है असली टेस्ट वो आता है। ये देखिए आप, आलू प्याज और पनीर डालेगा। तो अभी सबसे पहले आलू इसमें डाले जा रहे हैं, देखिए ये देखिए ये आलू इसमें डाल दिया गया है। ये देखिए आप, सबसे पहले इसमें आलू डाला गया है, फिर इसके अंदर पनीर डाला जाएगा, प्याज पहले डाला जाएगा। ये देखिए अब पनीर डाला जाएगा। ये देखिए अब इसमें जो है ये पनीर इसमें डाला जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह चलाया जा रहा है। तो भैया अब कितनी देर में बनके तैयार हो जाएगी ये? 5 मिनट और लगेंगे। ये देखिए ये सब्जी बन चुकी है और इसके लिए हमने 4 घंटे वेट किया। हम तो घर जा रहे थे बट भैया ने बोला कि एक बार आप रुक के पूरा प्रोसेस देख के जाइए। तो एक बार मैं इनके लिए और रुका और देखिए आप जो है इस सब्जी का रोगन आप देख सकते हैं। वाह भाई वाह, क्या मस्त सब्जी यहाँ पर बन चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत के बाद इस देख में 4 घंटे में ये सब्जी बनी है। और देखिए आपको मैं मेरी हालत भी दिखाता हूँ, देखिए मेरी हालत क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सफोकेशन बहुत ज़्यादा है। गर्मी यहाँ पर कम से कम 7 से 8 जो भट्टियाँ हैं वो 7 से 8 भट्टियाँ यहाँ पर चलती रहती है एट ए टाइम। और मेरी हालत भैया बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं पसीने पहुँचते जा रहा हूँ और आपके लिए वीडियो बनाते जा रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ देखने को मिले तो आपको जयपुर में कहीं भी देखने को ना मिले। अभी जो है सब्जी, जो फाइनल सब्जी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाली जा रही है और 4 घंटे में सब्जी बनके तैयार हुई है। और लगभग 200 किलो के लगभग ये जो सब्जी है वो यहाँ पर बनाई गई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डाल रहे हैं, ये देखिए। और सब्जी का कलर आप देख सकते हैं,
और देखिए ये है महावीर रबड़ी भंडार की स्पेशल आलू प्याज पनीर की सब्जी और ये ऐसे डाली जा रही है। तो दोस्तों देखिए ये सब्जी बनके बाहर आ रही है और इसमें अब धनिया वगैरह डाला जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये हरी धनिया हरी मिर्ची और ये हरी हरा धनिया हरी मिर्ची इसमें डाली जाएगी। ये देखिए ये पूरा प्रोसेस है सब्जी बनने का, जो आप जानते हैं ना कि महावीर रबड़ी भंडार की स्पेशल आलू प्याज पनीर की सब्जी है वो ऐसे बनाई जाती है। और इसमें अब ये धनिया डाला जाएगा। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है भैया शॉप पे जाने के लिए, ये बिल्कुल देखिए ये है असली मज़ा जयपुर में स्ट्रीट फूड का। और स्ट्रीट फूड तो नहीं बोलेंगे, जयपुर का स्पेशल फूड आप बोलेंगे ना तो भी कोई दोहराई नहीं होगा। देख सकते हैं आप जो स्पेशल जो सब्जी है वो शॉप पे जा रही है अभी, और देखिए दो जने लगते हैं इसको लेके जाने में क्योंकि भारी काफ़ी होती है। भैया कितने किलो होगी ये? 50 किलो है। 50 किलो है और आप देख सकते हैं ये देखिए आप, और ये शॉप पे जा रही है और शॉप पे जाके इसका जो है वो वहाँ पर सर्व की जाएगी, जो कस्टमर है उनको सर्व की जाएगी। और आप देख सकते हैं ये देखिए आप, अभी मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि एक भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। देख सकते हैं जो शॉप पर जो सब्जी तैयार होके भी आ चुकी है, एक चला के बता दीजिए एक बार इसको। ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सब्जी और कितनी मतलब कि देखने में, और जो इसकी सुगंध आ रही है ना सब्जी की वो बहुत ही बढ़िया आ रही है। और देखिए यहाँ पर ये थाली लग रही है और इसका मैं आपको एक बार जो मेन्यू है मैं आपको मेन्यू बता देता हूँ कि मेन्यू में देखिए आप ये है कि 90 रुपये की है, 140 की है, 200 की है, 300 रुपये की थाली, और इसमें क्या क्या आएगा आप देख सकते हैं। हम अंदर आते हैं ना तो हमको जो बेजड़ की रोटी बनाती हुई जो आंटी हैं वो मिल जाती है। देखिए कितने बड़े पैमाने पर जो रोटी बनाई जाती है, और एक रोटी का साइज कम से मैं आपको बताता हूँ 15 इंच के लगभग होता है। मतलब जो बेजड़ की रोटी है तीन आटे मिक्स करके रोटी बनाते हैं। थोड़ा सा आगे आइए, देखिए यहाँ पर लगातार जो रोटी बनाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ आंटी जी हैं वो करती रहती है। आंटी जी कितने बजे तक रोटी बनाते हो आप यहाँ पर? 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक। तो देखिए रात को 11 बजे तक ये आंटी जी ऐसे ही कड़ी मेहनत से जो रोटियाँ हैं वो बनाती है, और हैंड टू हैंड ऐसे नहीं कि इस रोटी को 5 से 10 मिनट रख लिया गया, जैसे ही ये रोटियाँ बनती है वैसे ही वो शॉप पर जाती है और वहाँ पर जाके पूरी प्लेट तैयार होती है। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो जो रबड़ी है जयपुर की स्पेशल महावीर रबड़ी भंडार, तो उसकी जो रबड़ी कैसे बनती है, कैसे उसकी मेकिंग होती है वो हम जानते हैं। देखिए आप यहाँ पर कढ़ाई में जो है दूध को लगातार खौलाया जा रहा है, और इसको देखिए मैं आपको थोड़ा पास से बताता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए अंकल कितना टाइम लगता है इसमें? 1 घंटा लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये कढ़ाई चल रही है इसमें देखो ये दूध खोल रहा है, और साइड में देखो मलाई जो है वो जमती जा रही है, और इसकी जो रेडी है वो ये देखिए ये कुछ ऐसा हो जाता है इतना सारा दूध। अंकल लगभग कितना लीटर दूध रहता है इसके अंदर जब आप बनाते हैं? 10 लीटर दूध। और कितना बच जाता है बनने के बाद? 2-2.5 किलो। देखिए 10 लीटर दूध को यहाँ पर खौलाया जा रहा है, और लगभग जो उससे जो माल तैयार हो रहा है जो रबड़ी का वो 2 से 2.5 किलो रबड़ी वहाँ पर तैयार हो रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये भैया भी देखिए रबड़ी बना रहे हैं। तो 1 घंटा लगता है भैया पूरा है, 1 घंटे में देखिए ये दूध पूरा जो है गाढ़ा गाढ़ा होकर इस रूप में आ जाता है। और यहाँ पर देखिए इससे बड़े कढ़ाई में ये दूध यहाँ पर भी है, और ये दूध यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी 2 कढ़ाए यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। तो भैया कितनी देर तक आप रबड़ी बनाते रहते हैं? 1 घंटे तक। और कितने कढ़ाए आप रबड़ी बना लेते हैं एक दिन में? 4 से 5। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये रबड़ी बना रहे हैं। लगातार है इसके जो ये हवा करने की जो बीजनी जिसे राजस्थान में कहते हैं ना उससे ये लगातार हवा भी करते जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोसेस है, जो हेरिटेज प्रोसेस भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब से महावीर रबड़ी भंडार की शुरुआत हुई थी तब से ये कुछ ऐसा ही बनाया जा रहा है। दोस्तों देखिए जो रबड़ी बनाने का प्रोसेस है उसमें देखिए ये किनारों पर जो जो दूध गाढ़ा होता जा रहा है उसको चिपकाते जा रहे हैं किनारों पर, और ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। लगभग 1 घंटे में ये जो 10 लीटर दूध है वो 2.5 किलो के समथिंग रह जाता है, और 2.5 किलो के समथिंग रहने के बाद ये देखिए ये जो तैयार होता है कुछ ऐसा तैयार होता है, इसको कहते हैं लच्छेदार। जो लच्छे हैं वो आपको साइडों में दिख रहे होंगे, और इतना सा दूध ये रह जाता है, तो इससे कहते हैं महावीर रबड़ी भंडार की स्पेशल जो लच्छेदार रबड़ी होती है ना वो कहते हैं इसको। हाँ
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं टेस्ट करने, क्योंकि मैं तो पहले टेस्ट कर चुका हूँ पर आपके लिए मैं आया हूँ। देखिए ये है रायता और ये है इतनी बड़ी बेजड़ की रोटी है और ये है लहसुन वाली चटनी, ये मिर्च के टिपोरे हैं और ये जो इनकी स्पेशल सब्जी है ना आलू प्याज पनीर की, ये देखिए थोड़ा सा आप पास लेके आइए, ये देखिए ये सब्जी है इनकी स्पेशल वाली। तो अभी हम इनको आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा क्या है। ये रोटी काफ़ी बड़ी है और इसमें थोड़ा सा हम लेते हैं पनीर की सब्जी की ग्रेवी। भाई मुँह का टेस्ट एकदम चेंज हो चुका है, क्योंकि तो इतनी स्वादिष्ट सब्जी है ना कि मैं हर एक महीने में एक दो बार यहाँ पे आता रहता हूँ। बट आपके लिए जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट चीज़ ये होने वाली है, टिपोरे रायता मिर्ची की चटनी। तो आप जब भी जयपुर आ रहे हैं एक बार कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आप कब जयपुर आ रहे हो और कब आप महावीर रबड़ी भंडार पर इतना जो स्वादिष्ट जो इनकी थाली है वो टेस्ट करने आने वाले हैं। दोस्तों अभी मैं इनकी जो शॉप है वो उस पर आ चुका हूँ और अभी हम रबड़ी खाने वाले हैं। रबड़ी टेस्ट करके भी आपको बताने वाले हैं कि कैसा टेस्ट रबड़ी का रहता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये जो पतीला है ये अंकल लेके बैठते हैं और अभी हम रबड़ी लगवाते हैं और आपको रबड़ी भी टेस्ट करके बताएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लच्छेदार रबड़ी है, महावीर रबड़ी भंडार की स्पेशल रबड़ी, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम जो है महावीर रबड़ी भंडार की जो रबड़ी है वो टेस्ट करने वाले हैं। अभी आपको थोड़ा सा मौसम की वजह से इसका ये टेक्सचर नहीं दिख रहा होगा, मैं अलग से आपको दिखा दूंगा। तो मैं आपको एक बार टेस्ट करके बता देता हूँ कि कैसी रबड़ी है, क्योंकि यहाँ की लच्छेदार रबड़ी पूरे जयपुर में नहीं पूरे इंडिया में फेमस है। भाई वाह, जैसे कि हमने मेकिंग देखी थी ना और अभी जब हम आके खा रहे हैं तो वो प्रोसेस का मतलब अब समझ में आ रहा है कि वो प्रोसेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट था और क्या इसमें टेस्ट उस प्रोसेस का आता है। तो मैं आपका कह रहा हूँ कि जब भी आप जयपुर आए ना तो एक बार महावीर रबड़ी भंडार जरूर आके जाइए, जरूर इनकी जो रबड़ी है वो टेस्ट करके जाइए। तो दोस्तों देखिए ये है रबड़ी का जो टेक्सचर है, इसमें देखिए ये बीच बीच में मलाई के पीस हैं, इसलिए इसको लच्छे बोलते हैं, इसलिए जो रबड़ी का नाम है वो लच्छेदार रबड़ी है। जब जयपुर में आएंगे तो मिश्रा राजा जी का रास्ता है यहाँ पर से आप आएंगे तो आपको ये महावीर रबड़ी भंडार, देखिए एक तो ये यहाँ पर है और इनकी जो शॉप है, दो शॉप है सामने और इनका जो जो अभी कारखाना है वो थोड़ा सा आगे जाकर है। तो आप जब भी आएँ तो एक बार देखिए महावीर रबड़ी भंडार शॉप नंबर 3 है, ये है, ये जो है महावीर रबड़ी भंडार, क्योंकि इस गली में आपको बहुत सारे महावीर रबड़ी भंडार मिलेंगे पर जो ओरिजिनल महावीर रबड़ी भंडार है वो है ये दोनों शॉप्स जो आपको गली के अंदर घुसते मिल जाएगी। इनकी स्पेशल लच्छेदार रबड़ी और महावीर रबड़ी भंडार के आप देख सकते हैं और ये अभी बन के तैयार हो चुकी है, शॉप पर जाने के लिए तैयार है और अभी हम अंदर चल के और देखने वाले हैं कि क्या क्या हमको देखने को मिलता है। देखिए ये जो बेजड़ की गर्मा गर्म रोटी है वो लेके जा रहे हैं भैया, शॉप पे लेके जा रहे हो। देखिए कितनी रोटी होंगी, ये पांच रोटी है और ठीक है भैया थैंक यू। ये देखिए तो यहाँ से क्या ये इस कारखाने से। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाल कलर के बटन को दबा के कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर मिस्टर जयपुर के चैनल पर देखने को मिलता रहे। आपको वीडियो कैसे लगी महावीर रबड़ी भंडार की कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइएगा, मुझे बताइएगा और भी ऐसी कोई जगह है जयपुर में अगर मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं तो आप कमेंट में अपने सजेशन दे सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं यार आप कमेंट में लोकेशन मेंशन नहीं करते, भाई आप थोड़ा गूगल पे भी जाया करो, गूगल पे भी डाल दिया करो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप भी थोड़ा उस जगह के बारे में जाने, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ आपको दे दूंगा तो फिर आपको ये रहेगा कि यार सब चीज़ यहाँ मिल गया, आप थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, हल्का सा आप जाके देखिए। और यदि अभी आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी कर लीजिए फॉलो, MISTER_ जयपुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे रील और जयपुर के बारे में जो भी कंटेंट है मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। इसी के साथ आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, नमस्कार जय।